गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 4 मैथ के लिए करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट सम है, ऐड, इनको ऐड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर मीटर, 10 किलोमीटर 600 मीटर एंड 2 किलोमीटर 235 मीटर, इनको ऐड करना है। हमें ऐड कैसे करेंगे इसको देखो, देखो इसमें सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 0 प्लस 5 कितना आ गया यहाँ पर 5, ठीक है, 0 प्लस 3 3, 6 प्लस 2 8, यहाँ देखो इसमें 0 प्लस 2 2, यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका, 12 किलोमीटर 835 मीटर, ठीक है। ऐसे देखो ये सेकंड सम है, इसमें भी ऐड ही करना है, किलोमीटर है ये मीटर है, 3 किलोमीटर 750 मीटर और 4 किलोमीटर 300 मीटर, इनको ऐड करना है आपको। देखो ये मीटर के नीचे मीटर लिखे हुए हैं, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखे हुए हैं, यहाँ कितना आ गया यहाँ पर 0 है, 0 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 5 है, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 3 10 10 का 0, 1 कह रही है जो इधर चला जाएगा, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 4 8, ये कितना आंसर बन गया हमारा, ये 8 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक है। अब देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है अपना, यहां लिखा हुआ ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रिच इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स विद 156.6 किलोग्राम, साउथर्न क्रॉसवे इन 85 किलोग्राम, नॉर्थर्न क्रॉसवे इज 75 किलोग्राम, ईएमयू इज 70 किलोग्राम एंड एम्परर पेंगुइन इज 46 किलोग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दीज बर्ड्स, तो इनके जो है ना टोटल वेट निकालना है इनका, तो इनको हम प्लस कर देंगे। इनको देखो सबसे पहले वेट ऑफ आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन वेट ऑफ, वेट ऑफ ऑस्ट्रिच और सिर्फ कितना हो जाएगा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 156.6 किलोग्राम, 156.6 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है ये है, इसके बाद साउदर्न क्रॉस वे, इसका वेट कितना है, 85, यहाँ पर 0 आ जाएगा 3 पॉइंट के बाद, तो कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद है नॉर्दर्न क्रॉस वे, कितना आ गया इसका, 75 किलोग्राम, 75.0 किलोग्राम। उसके बाद कितना है, ईएमयू इज 70 किलोग्राम, ईएमयू इज 70 किलोग्राम, और उसके बाद एंट्रल पेंगुइन इज 46 किलोग्राम, पेंगुइन का वेट कितना है,
ये 46 किलोग्राम 46.0 किलोग्राम ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, टोटल वेट निकालना है इनका, इनको प्लस कर देंगे इनका सब फॉर्म। देखो यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर 6 प्लस 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22 का 2 वन कैरी यहाँ पर लगा देंगे, ये टू कैरी यहाँ पर लगा देंगे, 2 + 5 = 7, 7 + 8 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 7 = 29, 29 + 4 = 33, 3 3 कैरी आ गया इसमें, 1, 1 + 3 = 4, इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर 432.6 किलोग्राम टोटल वेट भी इसका आया है। बेटा ये यहां पर ये इसमें जो है इसमें 8 के लिए 156.8 किलोग्राम है और इसका जो वेट है ये हम 8 करेंगे, मान के बुक में 8 दिया हुआ है, इसमें गलती से लिखा गया यहाँ तो ये 8 है, हमारे पास यहाँ पर आ गया 432.8 किलोग्राम। ऐसे देखो ये अगला फोर्थ सेमेस्टर, सलमा बॉट 6 लीटर 550 मिलीलीटर एंड मदर बॉट 5 लीटर 325 मिलीलीटर मिल्क, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू दे हैव। देखो सलमा ने कितना मिल्क खरीदा है, 6 लीटर 550 मिलीलीटर मिल्क, और उसकी मदर ने कितना खरीदा है, 5 लीटर 325 मिलीलीटर मिल्क। ठीक है, इनका बताना है टोटल मिल्क उन्होंने कितना लिया है, उन्होंने उनके पास टोटल मिल्क कितना है। अब देखो ये सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सलमा बॉट 1 मिलीलीटर ऊपर और इधर मिलीलीटर, सलमान कितना लिया है 6 लीटर 550 मिलीलीटर और उसकी मदर ने कितना लिया है, देखो ये मदर बॉट 5 लीटर 325 मिलीलीटर टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, देखिए इसमें क्योंकि प्लस करेंगे इसको, टोटल मिल्क इनको प्लस करो, अब यहां देखेंगे ये 0 + 5 = 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 5 + 3 = 8, यहां देखो ये 6 + 5 = 11, यहां पर क्या आ गया 11 लीटर 875 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा ये टोटल मिल्क कितना हो गया 8, ये इक्वल टू 11 लीटर 875 मिलीलीटर, ये आ गया टोटल मिल्क जो है इसका आंसर। थैंक यू।